वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी आओ आप, हम आप गुरु नानक देव जी के जीवन से जरा झाती मारीे कि महाराज ने आके संसार किया, किस तरह तो ना हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म से करा दिता। जब महाराज ने बेंज नदी च चुभी मारी तत् संत तेज सिंह महाराज कहते सी तत्न तत् मिलाते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर वाह पैदा हो जाता। तो ब्रह्म तत्न तत् मिलाते, ज्योति ना ज्योत मिल गई, फिर की रहा, फिर तो कुछ भी नहीं रहा, अकाल ही पुरख अकाल पुरख रहा। जो फिर हुक्म होया फिर दही बेई नदी तो शरीर बना के अपना बाहर निकल आए। गुरमुख कितने उन्हें लभना से जिन्ना मर्जी करते रहते कुछ लभ सकता जी गुरु नानक देव जी। तो आके बाहर आके क्या ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, अल्लाह राम के पल पड़ा। मुसलमान ने हिंदू ने अल्लाह राम दे ने सारे बुलाए हुए सारे इंसान। जो ये तदारा लाया तो सुल्तानपुर लोधी दे नवाब ने कहा कि जो कि अल्लाह राम तू एक बराबर समझते हो तो सारे आके मसीत नमाज पढ़ो। जे अल्लाह नूं भी तुसीं मानदे हो राम नूं भी मानदे हो कहिंदे इक बराबर आ ते फिर मसीत च आ के साडे नाल नमाज पढ़ो। महाराज गए उत्थे नमाज पढ़न वास्ते, नमाज कर पढ़े रहे ते काजी ने नमाज पढ़ के सिजदे कीते ते महाराज ने सिजदा नहीं कीता, कुछ नहीं कीता। ते ओह कहिंदे ने नमाज पढ़ के ते जब फारग होए सारे तो गुरु नानक देव जी पुछना कि तुझसे नमाज पढ़ी नहीं छा, तुसी तो खड़े रहे जिदे सुनते नहीं कितने। वो महाराज गुरु नानक देव कहते कि नमाज पढ़नी सी, कोई थोड़े तो नमाज पढ़ ही नहीं रहा। वो कहता बादशाह कहता कहता बादशाह ने नमाज पढ़ी आ। गुरु नानक देव जी बादशाह कितों नमाज पढ़ी आ, राजे ने इतों के नवाब ने ये तो कंधार के काबल के घोड़े खरीदा रहा जाके ध्यान उधर से भी घोड़े किस तरह चंगे उतो मिलना, किस तरह उतो खरीदिए, किस तरह उतो लियाइए, की करिए की करिए। ध्यान तो घोड़े खरीदने काजी ने कहा आप ही तो ध्यान से मैं तो नमाज पढ़ी सी। हूँ क्या तेरे तू भी नमाज की पढ़ी, तेरा ध्यान तेरी घोड़ी घोड़ी ने बछेरी सोई सी घर तेरे उत्थे खूह भी सी, तेरा ध्यान वह ध्यान से बछेरी के किसी खूह च ना डिग पे छाल मार के, बस उस ध्यान से तेरी बछेरी किस तरह बच जाए, बछेरी मर ना जाए। ये ना दोनों ने गल्लां सुनिया दोनों शर्मिंदे हो गए, अंदरों तो सच बोलन लग पे कि वाकई असी नहीं सी ते नमाज पढ़ी, साडा ध्यान तो कितने से। गुरमुख ये सुन के फिर नवाब बड़ा प्रसन्न होया महाराज कि तुझ तो अल्लाह तला का नूर हो ए हो। गुरमुखो ये महापुरुष होंगे योजे कौत खेलते हैं। गुरु नानक देव जी ने महाराज ने फिर उत्थे नवाब न भी तारिया, काजी ने भी सिखना दिती, उन्होंने भी कहा कि किस तरह आप इस दुनिया क्यों आया, की करना आ, की साडा देह आ। तो गुरमुखो सारियां नूं तार के ते फिर वो सारे श्रद्धालु बन गए थे गुरु नानक देव महाराज के। गुरु नानक देव महाराज ने अपना उत्थे फिर अपना नाम बने भी जपाया, होर भी किया। तो उतों फिर महाराज जी बबे नानकी दे कर रह के ते सब करते रहे, बंदगी करते रहे, और महाराज ने फिर सारे नूं संसार दे विच यात्रा भी की। महाराज ने जिन्ना गुरु नानक देव जी अवतार आ के दुनिया च गुरु नानक अकाल पुरख का संदेश देने वास्ते जिन्ना चलिया पैदल चलिया उन्ना कोई पैगंबर नहीं चलिया। गुरमुखो अज लेटेस्ट रिसर्च हुई आ गुरु नानक देव जी उदासियां उत्ते चार उदासियां महाराज किया, जिहड़ी उदासी च हिमालय पर्वत च कीती लासा तो लैके फ्रांस तो लोग कहते लासा तो लैके फ्रांस तक गए ने। मक्के मदीने भी गए, मक्के मदीने उत्थे अंदर
मुसलमानों तो अलावा किसी को नहीं बन देंगे। वो बाहर गुरु नानक देव जी बाहर पे हुए थे और मके मदीना जो माहौल भी सी वो लम्मा पैर तो लत्तां जड़ियां सी अपने पैर मके वल सी मके वल कुदरती सहज सवाए पैर से मके वल उन्होंने गुरु नानक देव आप नहीं किए साउन लगे उन्होंने रहा करतार वालों ही पैर करतार ने मके वाल पैर करते एक साखी बनानी सी। तो जो उतों का काजी आया तो काजी ने आके देखा कि मके वाल पैर किते उन्होंने लत्त मारी तो वो महाराज उठ पे महाराज उनके डुब के मार के लत्त मार कहला तू वो अल्लाह तला के घर वाल बस अपने चार पैर करते हैं तेन समझ नहीं आई तो की आ फलाना कहीं कुछ बोलिया। अखीर तो गुरु नानक देव जी ने बड़े प्रेम ने कहा प्रेमिया जिधर मक्का नहीं मेरे उधर पैर घुमा दे उधर पैर कर दे। काजी ने फड़ के जबरदस्ती आओ रीट के तो गुरमुखो ईस्ट वाल कर दते मुशरक वाल कर दते मक्का उधर भी नजर आने लग पाया। फिर दूसरे पास किते उधर ही मक्का जिधर पैर पवाए उधर ही नज़र मक्का नजर आ बड़ा हैरान हो गया। अखीर तो गुरमुख जो देखा कि जो कोई पैगंबर आ अखीर तो चरणा से टह गया गुरु नानक ने उन्होंने फिर उपदेश दिता। गुरमुख कगौर गुरु नानक देव जी योजे कौतक खेलते जो जाते थे और फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने हिमालिया पर्वत दे सिद्धा नाल गोश की सिद्ध सिद्ध बड़े चमत्कार से बड़े अपना गरदिया सिद्धिया के मालिक सन। जो गुरु नानक देव बड़ा तिब्बत दे विच गए ने ते कैलाश पर्वत उत्ते सारे सिद्ध सी बैठे हुए सिद्धा का गोरखनाथ जिहड़ा गुरु सी उसने इन्हां नूं चेला बनाना चाहिया कि मेरा ये बड़ा एडा दूर देखो कैलाश पर्वत ते कोई आंदा नहीं ते ये इत्थे आ गया ते जे मेरा चेला बन जाए ते इत्थे बहुत कुछ करेगा। गुरमुखो उसने खेड़ खेड़ी लागे बावली सी उतों जितों पानी लिया ले सी ते गोरखनाथ ने उन क्या वालिया उतों पानी ले आ महाराज चल गए हुकम मन के जगह बावली की जगह आती दख्या उत्थे दे सोना चांदी बखारे हुए हीरे जवाहरात बखारे हुए ता जे गुरु नानक धिया के उन्होंने कट्ठा कर लग पे गुरमुख तन गुरु नानक बिल्कुल पानी लिया खाली आ गए तो आ के नाथ ने पूछया कि बाले पानी लिया गुरु नानक देव मुस्कुरा कहते नाथ जी उत्थे पानी है नहीं उत्थे तुहाडियां रिद्धियां सिद्धियां तुसीं खरा दित्तियां पानी उत्थों कितें हुण पानी आ नहीं। वो बड़ा शर्मिंदे हुए है ये इन्ना कि ताकत है मालूम का इसने वो देख रहे साढ़े रिद्धियां सिद्धियां से कौतक गुरमुखो। फिर कई उतों महाराज ने महाराज ने उन्होंने सवाल किए महाराज ने जवाब दिते तो सीधा नवे सीधे रस्ते गुरमुख पाए चलो सिद्ध जड़े ने इस तो कई खुंद खान लग पे कई तो सियाने से पत्थरी वर्गे थे श्रद्धालु बन गए थे तो अचल बटाले जो मेला हों बहुत व्डा तो उसे सिद्ध सारे आते हैं सिद्ध जड़े ने अपने लोगों चेला बना भरथरी भी नाल सी उसने भरथरी भी राजा सी और वो सीधा ना मिल के साधु बन गया राग लग गया उन्होंने राजभाग छड़ के तो उत्थे फिर सिद्ध बहुत सीधा ने गुरु नानक देव जी आए उत्थे गुरु नानक देव जी साहब सीधा ने एक ने तो सप्प बन के पुकारे मार लग पाया कोई कुछ कर लग पाया करा माता अंगर नाथ के ताड़े तोड़ दते नाटक टाटक की है राजा प्रभ लोग उनको आवर ला जा ये सुन के तो गुरु नानक देव एन शांत शांत बैठे रहे कहते हैं कई सप बन के तुर पे तो महाराज मुस्कुरा रहे थे कि करते फिर ये तो करतार का ना लैना से रिद्धिया सिद्धिया बच गए अखीर तो जो महाराज नहीं कर सके उस गुरु महाराज ने फिर उन्होंने उपदेश दिता उन्हां विचों पत्थरी राजा जिहड़ा सी उन्हां दा चेला वह गुरु नानक देव जी का शिष्य बन गया।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਜ ਪਰਥਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਏ ਨੇ, ਪਰਥਰੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ, ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਅਸਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਲਾਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੋਨ ਤੱਕ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਆਸਾਮ ਤੱਕ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਡਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਸਭ ਮੇ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਸਭ ਮੇ ਜਾਣਨ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਇੱਕ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸਲ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਮੇ ਜੋਤ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਮਾਇਨ ਦਾਇਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਜੋਤ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਜੰਤ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਈ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗਰੀ ਬਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕੁਫਕਾ ਕੁਫਰਾਜ ਅਤੇ ਕਹਾਣਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਚਲੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਾਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।